शिवसैनिकों ने जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर लगभग 50 दिन पूर्व हुई गौरव प्रजापति की हत्या रिपोर्ट दर्ज करने व सभी हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा ने बताया कि हड़तला सब्जी मंडी निवासी पीड़िता बबली प्रजापति के पुत्र गौरव प्रजापति को 3 जनवरी की शाम आसिफ व अजय पंडित घर से बुला ले गए थे। अगले दिन 4 जनवरी की सुबह गैलेक्सी अस्पताल के पीछे रास्ते में उसकी लाश मिली। लाश के हाथ पैर गर्दन में रस्सी बंधी थी व सिर में गहरी चोट लगी थी। पीड़िता व शिव सैनिकों ने कई बार एसओ सिविल लाइन व वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब यदि 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही नहीं होती है तो शिव सैनिक डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ जिला उप प्रमुख बाबा कुशल सिंह, भवानी सेना जिला अध्यक्षा ठाकुर मंजू राठौर, वरिष्ठ जिला कोषा अध्यक्ष बबीता सैनी, प्रमोद सागर, विजय सेठ, विमल सागर, अजय सैनी, एडवोकेट रेशमा, अशोक यादव, सनी धवन आदि मौजूद रहे। मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। आज शिव सैनी एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का विगत 1.5 महीना पहले गौरव प्रजापति की हुई हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करते हैं। उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। याद होगी 3 जनवरी की शाम को गौरव प्रजापति को आसिफ और अजय पंडित घर से बुलाकर ले गए थे। अगले दिन 4 जनवरी को सुबह 9 बजे उसकी लाश मिली। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया। लाश के हाथ पैर गर्दन रस्सी से बंधे हुए थे, सिर में गहरी चोट लगी हुई थी, लेकिन पुलिस ने आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। अगर 3 दिन में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो सिर्फ सैनिक डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया था? पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। यदि 3 दिन में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो सिर्फ सैनिक डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करेंगे।